क्रिमिनल कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की जगह लेने वाले 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। ये 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। बता दें कि तीनों बिलों को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद इसे कानून बना दिया गया है। ये तीनों कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और IPC की जगह लेंगे। खबरों की माने तो 3 नए कानून आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को और ज्यादा सख्त बना देंगे। भारतीय न्याय संहिता में जहां 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, तो वहीं IPC में मौजूदा 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। साथ ही 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है। 83 प्रावधानों में जुर्माने की सजा को बढ़ाया गया है, जबकि 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है और 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में आपराधिक बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन कानूनों के लागू होने के बाद तारीख पे तारीख युग का अंत सुनिश्चित हो जाएगा और 3 साल में न्याय दिया जाएगा। अमित शाह ने इन बिलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि इन कानूनों से नागरिकों के अपराधों को सर्वोपरि रखा जाएगा और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। किसमें क्या बदला है, IPC कौन सा कृत्य अपराध है और इसके लिए क्या सजा होगी, ये IPC तय करेगा। अब इसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। IPC में 511 धाराएं थी, जबकि BNS में 358 धाराएं थी। 21 नए अपराध जोड़े गए हैं, 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ा है, 25 अपराधों में जरूरी न्यूनतम सजा शुरू की गई है, 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रहेगा और 19 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। CRPC गिरफ्तारी जांच और मुकदमा चलाने की प्रक्रिया CRPC में लिखी हुई है। CRPC में 484 धाराएं थी, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 को खत्म कर दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट, केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट में है। इसमें पहले 167 धाराएं थी, भारतीय साक्ष्य संहिता में 170 धाराएं होंगी। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धाराएं जुड़ी हैं, 6 धाराएं खत्म हो गई।